हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार जो है वो एक पोस्टर डालता है, समय की परवाह ना करे, जस्ट होल्ड ऑन टू योर फेस कॉज इट गॉन मेल्ट व्हेन आई एम डन। इसके अलावा रफ्तार जो है वो एक स्टोरी डालता है और कुछ ऐसा लिखता है, प्रायरिटीज भाई कैसा है, गाने डाल दे। तो इस चीज़ में 50-50% आया रफ्तार को कि 50% लोग रफ्तार का हाल पूछ रहे हैं और 50% लोग चाहते हैं कि रफ्तार गाना डाल दे। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो इक्का की साइड से है। तो इक्का भी एक स्टोरी डालता है और ये बताता है कि उनकी एल्बम रेडी हो चुकी है, एल्बम बन गई है भयंकर। तो अब बात कर लेते हैं हुड वाली बातचीत और श्रिव के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले रिपोर्टिंग वाला इशू चल रहा था, जिस कारण से DHH के काफी हिप हॉप पेजेस डिलीट हो गए मास रिपोर्टिंग के कारण। तो हुड वाली बातचीत पेज इस कारण से डिलीट हो गया और वहीं श्रिव की तरफ से भी एक स्टोरी आती है जिसमें वो ये कहता है कि उनके अकाउंट पे भी मास रिपोर्टिंग चल रही है और जल्द ही उनका अकाउंट भी डिलीट हो सकता है। तो फिलहाल उनका अकाउंट डिलीट हो चुका है, लेकिन एक और DHH पेज है जो कि एक स्टोरी डालता है और ये बताता है कि श्रिव का अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है, उन्होंने खुद से डिसेबल करा है। और डिसेबल उन्होंने इसलिए करा है क्योंकि रफ्तार और कृष्णा की वो इमेज खराब कर सके, ये बता के कि उनके फैंस ने उनका अकाउंट डिलीट करवा दिया। तो उस पेज की तरफ से प्रूफ्स भी देखने को मिले, तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब बात कर लेते कृष्णा और फैनम के बारे में। तो फैनम जो है वो एक स्टोरी डालता है कृष्णा और दीप कलसी के साथ में और उसका कैप्शन कुछ ऐसा लिखता है, नोन दिस मैन फॉर ओवर 15 ईयर्स एंड फ्रॉम व्हाट आई नोन ऑफ हिम टू व्हाट ही इज नाउ मेक्स मी सो प्राउड, यू हैव डन गुड माय ब्रदर, ऑल ब्लेसिंग्स अपॉन यू एंड ग्लैड टू मीट दिस यंग वन दीप कलसी, यू गोइंग प्लेसेस ब्रो, स्टे एट इट। तो फैनम ने यही कहा है कि कृष्णा को वो 15 साल से जानते हैं और कृष्णा भी इन सालों में काफ़ी बदल चुका है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं डीनो जेम्स के बारे में। तो डीनो जेम्स की तरफ से एक स्टोरी आती है और उसमें वो देखने को मिलता है अपने शूट के सेट पे। तो अब बात कर लेते हैं मूफाड़ के बारे में। तो मूफाड़ का पाब्लो ट्रैक ड्रॉप हो चुका है और इसी के साथ मूफाड़ ने कल एक स्टोरी भी डाली थी कुछ ऐसी, अभी 4 बजे गाना सुनाऊंगा एक, जो लोग जगे हुए हैं ईमानदारी से आ जाना लाइव सेशन पे। तो ये लाइव सेशन सुबह 4 बजे हुआ था तो काफी कम लोगों ने ही देखा होगा, तो फिलहाल तो कुछ क्लिप्स निकल के नहीं आई है, अगर आती है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अब बात कर लेते वृषभ और क्रू 172 के बारे में। तो जैसे कि कल मैंने आप लोग को अपडेट दी थी कि क्रू 172 की तरफ से एक स्टोरी आई है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वृषभ का जो न्यू ट्रैक ड्रॉप हुआ है वो उनके एक 2015 के गाने से कॉपी है। तो फिलहाल इनकी कुछ चैट्स में बातचीत हुई है बट वो बातचीत काफ़ी बिगड़ गई थी। तो काफ़ी शॉर्ट में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वृषभ का क्या कहना है। तो वृषभ ये कहता है कि क्रू 172 का जो ट्रैक है उन्होंने आज तक नहीं सुना है और ये चीज़ें जो मैच हुई है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इसके बाद से वृषभ कहता है कि कोई स्टोरी डालने से पहले एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वृषभ ने बिल्कुल नकार दिया था कि उन्होंने ये ट्रैक कॉपी करा है। तो इसके बाद से क्रू 172 कहता है कि चोर कभी चोरी करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने चोरी करी है। तो इस पे वृषभ लिखता है, कर लई फिर केस जेड़ा करना तू, बड़ी जल्दी लाइन ते आ गया। तो बात काफ़ी बिगड़ गई थी। तो अब देखते हैं क्रू 172 क्या करता है, कोई केस करता है या फिर कलमकार इसमें एंट्री लेता है। तो अब कुछ बाहर के रैपर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि कान्या वेस्ट का ऑफिशियली नेम चेंज हो चुका है और अब उनका स्टेज नेम है ये। तो ये और ड्रेक से रिलेटेड एक अपडेट है, तो ड्रेक ने अभी ये को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। तो अब ये उन्होंने क्यों करा है ये वही जानता है, आगे कुछ पता चलता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।